हेलो एवरीवन वेलकम टू स्वरूप एकेडमी मैं चंदन प्रसाद आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो हमारा एक नया कोर्स आ रहा है जे पी एस सी मेन स्पेसिफिक एंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट कोर्स यह सत्तर दिन का एक क्लास होगा और साथ ही इसमें टेस्ट सीरीज भी लिए जाएंगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस कोर्स का आपके लिए क्या बेनिफिट है किस तरह से आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपको किस तरह से ये हेल्प करेगा और साथ ही इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी ये कोर्स आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं और कोर्स कब कब लिए जाएंगे ये सेवेंटी डेज़ आपके लिए कब कब होगा उन सारे के बारे में हम लोग आपको यहाँ पर बताएंगे साथ ही इसमें फ़ीस वगैरह जो है वो सारी चीज़ आपको बताए जाएंगे कैसे आपको ज्वाइन करना है ये कोर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे वो सारी चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको बता दें ये हमारा एक नया कोर्स होगा जो कि जे पी के लिए होगा यह सेवेंटी डेज का एक प्रोग्राम होगा जो कि आपके जो राइटिंग स्किल पर सबसे ज्यादा हमारे चूंकि मेन्स जो, जो परीक्षा है उसमें सबसे ज्यादा हमारे जो कमांड होना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा हमारी मजबूती स्ट्रेंथ होना चाहिए वो हमारा राइटिंग स्किल पर टॉपिक की जो जानकारी होनी ही चाहिए लेकिन राइटिंग स्किल उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है तो इसी को ध्यान में देखते हुए लास्ट समय में हम लोग सेवेंटी डेज राइटिंग स्किल इंप्रूवमेंट पर काम करेंगे साथ ही इसमें टेस्ट सीरीज भी शामिल किया गया है दो फैसिलिटी आपको मिलेंगे सबसे पहले तो आपको हर एक डे वाइज डे वाइज आपको एक वीडियो मिलेगा जो कि लाइव आपके साथ डिस्कस किया जाएगा और साथ ही उसका रिकॉर्डिंग भी उप उपलब्ध होगा जिसमें आपको बताया जाएगा जैसे कि जितने भी इसमें टॉपिक्स है आपको पता है कि जेपीएससी मेन्स में चार जीएस पेपर होता है जीएस थ्री से लेकर पेपर थ्री से लेकर पेपर सिक्स तक तो हर एक पेपर से क्लासेस वहां पर ली जाएंगी सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जाएगा जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं देखिए यहाँ पर एक सिलेबस है दो पेपर तो इसका लैंग्वेज पेपर होता है तो हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर जीएस पेपर की बात कर रहे हैं पेपर थ्री जो जीएस पेपर है सामाजिक विज्ञान इतिहास और भूगोल है इंक्लूडिंग झारखंड उसी तरह पेपर फोर है भारतीय संविधान राजनीति लोक प्रशासन और सुशासन उसी तरह आपका जेपी जो पेपर फाइव है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण और सतत विकास इंक्लूडिंग झारखंड और लास्ट जो होता है इसमें वो पेपर सिक्स होता है जिसमें कि सामान्य विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी विकास शामिल है हम लोग जो स्टार्ट करेंगे पेपर फाइव से स्टार्ट करेंगे डे वन से जैसे कि यहां पर क्योंकि ये एंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट कोर्स है तो इसमें थ्योरी थ्योरी क्लासेस भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं लेकिन वो अलग से क्लास होता है इसमें हम लोग क्या करेंगे तो डे वाइज आपको जैसे कि मान लीजिए हम पेपर फाइव से स्टार्ट करेंगे डे वन में अब आपके मन में सॉल्व उठेगा कि हम लोग पेपर फाइव से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इसी पेपर में आती है क्योंकि ये करंट अफेयर्स आधारित होते हैं टॉपिक इसमें जितने भी होते हैं तो इसीलिए हम लोग शुरू से ही इस पर मेहनत करेंगे जिससे कि लास्ट समय में ज्यादा आपको रिविजन करने का समय मिले पहला जो डे हम लोग स्टार्ट करेंगे डे वन में जो कोर्स होगा उसमें आपका इसमें राष्ट्रीय आय और साथ ही इसमें जो मुद्रा स्फीति है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे इसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि जो राष्ट्रीय आय में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय आय का जो अवधारणा है राष्ट्रीय आय की गणना के तरीके इसमें जो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जीडीपी जीएनपी एनडीपी एनएनपी इनका मतलब क्या है जो प्रति व्यक्ति आय है प्रति आय की भूमिका उसका महत्व और पिछले सालों के मुकाबले उसकी तुलना तो इन सब पर हम वहाँ पर हम लोग वहां आपको टॉपिक बताएंगे उसी तरह मुद्रा स्फीति तो ये डे वन में ये दो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे और ये इस पर आपको वर्क दिया जाएगा और साथ ही उसके बाद फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा सेम डे उसी दिन आपको शाम तक टेस्ट दिया जाएगा और टेस्ट आपको लिख कर ये टेस्ट का एंसर आपको खुद लिखना है और फिर उसको स्कैन करके हमारे जो आपको दिया जाएगा ऐप पर आपको अपलोड करना है वो सारे काम जितने भी ये वर्क होंगे हमारा जो ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप जो कि एक एंड्रॉयड ऐप है उसे गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है सारा काम वहीं पर होगा आपको इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है जब आप टेस्ट आपको दिए जाएंगे पहला तो आपको एक डे वन का वीडियो मिल जाएगा उसके बाद आपको टेस्ट मिलेगा और फिर टेस्ट का आपको आंसर स्कैन करके हम उसी दिन आपको भेज देना है दो या तीन घंटे की क्योंकि यूनिट टेस्ट होगा तो सेक्शनल होगा आपका पहले और फिर बाद में फुल लेंथ टेस्ट तो आपको पता ही है कि आपका घंटे की होती है तो दो से ढाई घंटे या तीन घंटे की ये परीक्षा होती है फिर उसके बाद आपको स्कैन करके देगा फिर आपको टीचर आपको उसका इवुलेशन करेंगे उसको चेक करेंगे कहा सुधार करनी है कहां पर आपको किस तरह से आंसर लिखना चाहिए था लेकिन आपने लिखा नहीं उन सब पर आपको जो आपका पॉजिटिव है मतलब कि जो आपका स्ट्रेंथ है जो आपका वीकनेस है उन सारे चीज के बारे में आपके पेपर में वो मेंशन किया जाएगा वो फिर आपको सेंड कर दिया जाएगा आप फिर उसके अनुसार अपनी अगले जब टेस्ट होगा तो उसमें इन चीजों को बात में ध्यान में रखिए अपना उत्तर लिखिए फिर उसी टेस्ट का अब बोलिएगा सर कि उसका एंसर भी दिया जाएगा बिल्कुल जो भी जितने भी टेस्ट हमारे द्वारा लिए जाएंगे उसका मॉडल एंसर भी दिया जाएगा तो दो कार्य इसमें हो गया टेस्ट और इंप्रूवमेंट कोर्स के लेक्चर्स ठीक है इस तरह से जैसे राष्ट्रीय आय में क्या क्या इंपोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है साथ ही कौन कौन टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि यहां पर प्रश्न का एक सबसे बड़ा जो संभावना होती है क्योंकि ये चालीस अंक के बीस अंक के प्रश्न दो पार्ट में पूछे जा सकते हैं तो कहां कहां से प्रश्न बन सकता है वो सारे इंपोर्टेंट टॉपिक आपको बताए जाएंगे उसी तरह हर एक डे वाइज इसी तरह से आपको शेड्यूल दिया जाएगा और ये वीक में कितने क्लासेस होंगे मतलब कि जैसे वीक में हमने यहां पर अभी कंसिडर किया हुआ है फाइव डेज वीक में फाइव डेज आपका लगातार ये पांच डे क्लासेस होंगे फिर नेक्स्ट वीक में फाइव डेज अगर परीक्षा का शेड्यूल आ जाता है तो उसके अनुसार इसमें बदलाव भी किया जाएगा अगर पहले परीक्षा है तो उसके अनुसार आपको दिया जाएगा अगर बाद में होगी तो कोई बदलाव नहीं होगा वीक में फाइव फाइव जो वीडियोज हैं सेवेंटी डेज का वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा जिससे कि समय पर हमारी परीक्षा के लिए हम तैयार हो सके ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा इसी तरह पेपर फाइव में पेपर सिक्स में पेपर थ्री में पेपर फोर में हर तरह के वीडियोस आपको यहां पर मिलेंगे जिसके आधार पर अपने आप को आप तैयार कर सके इसके अलावा बात करती है कि मान लीजिए तो हमको वहाँ कॉपी भेज दिया गया हमने सब चेक कर लिया मान लीजिए आपको इंडिविजुअली आपको कुछ डाउट है आपका कुछ सजेशन चाहते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर भी आपको इंडिविजुअली आपको फीडबैक दिया जाएगा हर एक छात्र से बात की जाएगी अगर जरूरत पड़ेगी तो वीडियो पर या फिर आपसे कॉल पर बात की जाएगी ज्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको ऐप आप पर ही सारे ऐप पर आप सीधे बात कर सकते हैं टीचर से हमारा जो ऐप है वो एक लेटेस्ट ऐप है उसमें सारी चीज ये भी फैसिलिटी होगा सिर्फ क्योंकि मैसेज करके पॉसिबिलिटीज नहीं है कि हर चीज को डाउट को पूछा जाए अधिकतर जगह क्या होता है कि मैसेज करने का प्रोविजन होता है लेकिन वैसा कुछ नहीं है हमारा ऐप जो है उसमें आप बोल के भी सीधे पूछ सकते हैं टीचर से सीधे जो ऑफलाइन क्लासेस में इंटरेक्ट होते हैं उस तरह से आप टीचर से इंटरेक्ट हो सकते हैं तो ये सबसे बड़ी फैसिलिटी आपको यहां पर मिलेगी जिससे कि आपको एहसास नहीं होगा कि हम कुछ मिस कर रहे हैं या फिर हमारा कुछ कमी रह जा रहा है जो कि ऑफलाइन क्लासेस में उपलब्ध कराई जाती है तो ये सारी फैसिलिटी आपको यहां पर मिलेगी क्लियर है तो ये चीजें हमने बताया कि दो तरह से आपको और टेस्ट ये समय पर अनुसार शेड्यूल भी आपको अनुसार आपको दिए जाएंगे ध्यान रखिएगा जो ये फोर्टी टेस्ट है आपके लिए का पत्थर साबित होगा क्योंकि पिछला बार छठा बारीएससी में भी हमने टेस्ट लिया था जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हुआ था ये चौबीस टेस्ट में सॉरी चालीस टेस्ट में क्या क्या टेस्ट रहेंगे जैसे कि फुल लेंथ टेस्ट और इसमें सेक्शनल टेस्ट शामिल किया गया है इसमें सोलह फुल लेंथ टेस्ट जैसे कि इसमें चार जीएस पेपर है तो हर एक जीएस पेपर का सॉरी हर एक पेपर का आपका चार, चार फुल लेंथ टेस्ट होगा चार इंटू चार सोलह इसके अलावा चौबीस टेस्ट होगा सेक्शनल टेस्ट मतलब कोई सब्जेक्ट वाइज जैसे हिस्ट्री कभी झारखंड का तो कभी भूगोल का तो इस तरह से आपके साथ लिए जाएंगे इसके अलावा ये तो अतिरिक्त है ध्यान रखिएगा जो डे का प्लान है जो सेवेंटी डेज का है उसमें हर एक टॉपिक वाइज चलेगा ही कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि मिस होगा जिससे कि आपको सोचना पड़ेगा इसके लिए हम कहा से विकल्प तैयार करें या फिर कहीं से नोट्स तैयार करें इसमें हाँ लेकिन ध्यान रखना है जो हमारे क्लासेस कर रहे हैं तो उनको तो अलग से कुछ मेहनत नहीं करना है क्लास के साथ आपको थ्योरी क्लासेस आपको पढ़ाई गई है नोट्स दिए गए हैं तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जो भी छात्र मान लीजिए हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस है जेपीएससी स्पेसिफिक मेंस के लिए अगर वो क्लासेस नहीं कर रहे हैं तो आपको दो चीज पहले काम कर लेना है क्योंकि इसमें हमने दोनों छात्र के लिए रखा है जो हमारे रेगुलर क्लास प्रोग्राम में है वो भी इसमें जुड़ सकते हैं और जो रेगुलर क्लास प्रोग्राम में नहीं है वो भी इसमें जुड़ सकते हैं तो जो रेगुलर क्लास प्रोग्राम में नहीं है आपके लिए दो सजेशन रहेगा कि आपको पूरे टॉपिक की गहन जानकारी होनी चाहिए और साथ ही आपके पास सोर्सेस होने चाहिए कहां से आप पढ़ें और उन टॉपिक से संबंधित अगर आपको कंटेंट जैसे हमने बताया कि राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय की अवधारणा आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो गणना करने के तरीके हैं तो आपके पास वो कंटेंट होना चाहिए क्योंकि वो चीजें अगर रहेगी तभी हम उत्तर उसका लिख सकते हैं तभी हम राइटिंग स्किल पर काम कर सकते हैं अगर राइट, अगर वो चीज नहीं रहेगी तो हम अगर कैसे काम करेंगे हाँ कहां कहां सुधार करना है जैसे कोई उत्तर लिखना है तो उसका जो फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है भूमिका है उसको कैसे तैयार करें क्या प्रश्न के डिमांड क्या है अंडरलाइन कैसे करें किन चीजों पर ध्यान दें डायग्राम की जरूरत पड़ती है तो उसको किस तरह से बनाएं पेन से या फिर पेंसिल से तो इन सारे चीजों के बारे में आपको एक एक पॉइंट पर हर एक

एंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम भी इसमें शामिल किया गया है जिसमें कि सेवेंटी डेज का होगा और चालीस इसमें टेस्ट तो दो चीजें आपको एक साथ मिल रही है फिर आपको टेस्ट के लिए अलग से नहीं जुड़ना पड़ेगा साथ में तैयारी चलती रहेगी अब आपके मन में सवाल उठेगा सर कि अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं किया तो टेस्ट कैसे देंगे इसीलिए तो बोल रहे हैं कि हम लोग टॉपिक वाइज पहले चलेंगे डे वन के आधार पर जो मेन स्टेज सीरीज वो बाद में स्टार्ट किया जाएगा क्योंकि तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो आंसर कैसे दे सकते हैं तो इन चीजों को ध्यान में रखना है है अभी फाइव डेज जो डे वन का प्लान है वो चलेगा तो अब सवाल ये उठता है कि क्या टेस्ट सीरीज सेवेंटी डेज के बाद होगा बिल्कुल नहीं बीच में ही बीस पच्चीस दिन के बाद तो हम लोग देख लेंगे कि कितना मेरा पोर्सन कंप्लीट हो चुका है जैसे कि मान लीजिए डे वन से हमने स्टार्ट किया तो जो पेपर फाइव का ग्रुप पेपर फाइव चार ग्रुप में बटा हुआ है तो ग्रुप ए कंप्लीट हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था तो उसका टेस्ट हम लोग ले लेंगे फिर ग्रुप बी कंप्लीट हो गया तो उसका भी टेस्ट ले लेंगे ग्रुप सी कंप्लीट हो गया तो उसका भी टेस्ट ले लेंगे ग्रुप डी कंप्लीट हो गया तो उसका भी टेस्ट ले लेंगे तो इस तरह से कार्य हम लोग करते रहेंगे एक चीज ये ध्यान रखिएगा इसके साथ ही जैसा कि हम कि हमने बताया पेपर का मूल्यांकन किया जाएगा रैंकिंग भी जारी की जाएगी जितने भी छात्र हैं कितना कितना किसका मार्क्स आ रहा है ये टेस्ट सीरीज में जारी की जाएगी उसके साथ चर्चा भी किया जाएगा इसके अलावा मॉडल उत्तर भी जैसा कि हमने बताया कि हर एक टेस्ट का आपको मॉडल उत्तर भी दिया जाएगा हाँ ध्यान रखिएगा यहां पर नोट्स को लेकर छात्र ये बोलते हैं कि सर कि क्या टॉपिक को हर एक टॉपिक पर नोट्स भी हमको मिलेगा बिल्कुल नहीं हमारा काम है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर चर्चा करना आंसर कैसे लिखना है उस पर चर्चा करना ये नहीं कि हम क्लासेस वो तो रेगुलर क्लासेस का पार्ट हो गया और रेगुलर क्लासेस में जो अभी छात्र है हमारे वहां पर ये सारी चीज हम करवा रहे हैं अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप संपर्क कीजिएगा या फिर स्टोर में जाइएगा तो वहां पर मिलेगा आपको अभी उन्नीस हजार दो सौ रुपया और ये जितने भी क्लासेस होंगे जैसा कि हमने बताया आप देख सकते हैं जेपीएससी का नया सिलेबस है तो नए सिलेबस पर यह पूरा हम लोग आपको पढ़ाएंगे इंटरेक्टिव सेशन होगा हमने जैसा बताया इंडिविजुअल फीडबैक के साथ पेपर वाइज स्ट्रेटजी स्कोर कैसे करना है ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर सके जनरल स्टडीज में हमारी यही कोशिश रहेगी आपका अब यहाँ पर देखिए कब से स्टार्ट हो रहा है तो थर्टी सितंबर दो से ये स्टार्ट हो रहा है ये ड्यूरेशन जो होगा प्रत्येक तीन घंटे की होगी टेस्ट वगैरह का और वीडियो जो मिलेगा वो आपको अलग से एक घंटे घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे की इस तरह की वीडियो आपको डे वन से लेकर डे सेवेंटी तक आपको मिलेगा इसके अलावा फीस की बात करें तो फीस बहुत ही नॉमिनल इसमें रखा गया है आप देखिएगा अगर क्लासेस जुड़ते हैं तो पच्चीस तीस हजार चालीस हजार पचास हजार साठ हजार ऐसे लिए जाते हैं हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो छात्र है बहुत ही जो आते हैं मीडियम फैमिली से आते हैं तो इसलिए फीस हमारी जो है बहुत ही कम रखी गई है अभी ऐसे तो टेन थाउजेंड इसका फी है लेकिन अभी आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर एट ही फी पे करना है पेमेंट कैसे कर सकते हैं तो आप हमारा जो स्वरूप लर्निंग ऐप है ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कीजिएगा रजिस्टर करने के बाद स्टोर में जाइएगा तो स्टोर में ही आपको वहां पर दिखेगा आप वहां पर पेमेंट कर दीजिए अगर वहां पर आपको दिक्कत होती है तो आप इस नंबर जो नंबर दिया हुआ है वहां पर आप कांटेक्ट कर लीजिए वहां पर आपको गूगल पे फोन पे या फिर अकाउंट डिटेल आपको दे दिया जाएगा आप वहां पर ट्रांसफर कर दीजिए ये भी सुविधा नहीं है तो आप अकाउंट नंबर दिया जाएगा आप बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दीजिए और उसका रिसिप्ट जो है इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप भेज दीजिए ध्यान रखिएगा ये नंबर गूगल पे फोन पे नहीं है अलग से आप व्हाट्सअप कीजिएगा ना वहां पर डिटेल मांगिएगा या कॉल करके तो वहां पर आपको गूगल पे फोनपे नंबर या अकाउंट डिटेल भेज दिया जाएगा आप वहां पर पेमेंट कर लीजिए और ये आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कीजिए इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको क्लियर है सारे चीज़ हमने यहाँ पर आपको बता दिया फिर भी अगर आपको डाउट है तो इस नंबर पर कॉल करके या और व्हाट्सअप करके आप वहाँ पर अन्य जानकारी ले सकते हैं तो आज हम लोग ये वीडियो आपको हमने बनाया आपको यहाँ पर हमने बताया मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू एवरी